इस वीडियो में आज आप लोग को इस तरीके से बेडशीट डिजाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद प्यारा भी बहुत लगता है। कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटा बड़ा भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बिना स्किप के पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज आप लोग को बेडशीट डिजाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने तीन कलर का कपड़ा लिया, हमने ग्रीन लिया है, रेड लिया है, वाइट लिया है। कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए इसका मेजरमेंट बता दें तो ये 2.5 इंच की लंबाई, 2.5 इंच की चौड़ाई। ग्रीन वाला हमने लिया है 4 पीसेस, रेड वाला हमने लिया है 1 पीसेस, और ये देखिए वाइट वाला है नीचे तो हमने लिया है 4 इंच लंबाई, 4 इंच चौड़ाई, 2 पीसेस, और ये ग्रीन वाला 4 इंच लंबाई, 4 इंच चौड़ाई, हमने 2 पीसेस लिया है। ये ग्रीन वाला ये भी हमने 2 पीसेस लिया है, वाइट वाला हमने 2 पीसेस लिया है, और ये जो हमारा रेड वाला है 1 पीसेस लिया है, 2.5 इंच लंबाई, 2.5 इंच चौड़ाई। वाइट वाला हमने 2.5 इंच लंबाई, 2.5 इंच चौड़ाई, 4 पीसेस लिया है। अब हमें इसे क्या करना है कि इसको साइड में कर देना है। तो हमें क्या करना है, इसको हमने साइड में कर दिया, और जो हमारा ग्रीन वाला वाइट वाला पीसेस है इसको अच्छी तरीके से बराबर कर फोल्ड कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने देखिए इसको कटिंग कर दिया, ये जो ग्रीन वाला पीसेस है इसको भी अच्छी तरीके से बराबर कर फोल्ड कर देंगे और कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने पूरे पीस को कटिंग कर दिया। अब हमें एक वाइट लेना है, एक ग्रीन लेना है, दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई कर देना है। तो जितना भी हमारा पीसेस है हमने पूरे पीस को इसी तरीके से लेना है, ग्रीन लेना है, वाइट लेना है, और दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई कर देना है। तो ये देखिए ग्रीन और वाइट दोनों को लेंगे, अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर लेंगे। तो जितना भी हमारा पीसेस है हम पूरे पीसेस को सेम ही लेंगे, ग्रीन वाइट, और सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर दिया, अब इसको एक एक कर कटिंग कर देंगे, इसको भी हम कर देंगे सिलाई। तो ये देखिए हमने अब इसको कटिंग कर दिया पूरा पीसेस को सिलाई कर। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने वाइट वाला और ग्रीन वाला लिया था इसको लेंगे, एक वाइट एक ग्रीन दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो फिर हमें लेना है वाइट और ग्रीन दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। तो जितना भी हमारा पीसेस है हमने पूरे पीस को इसी तरीके से लेना है वाइट। तो ये देखिए हमने जितना भी हमारा पीसेस था, एक हमने वाइट ग्रीन इसी तरीके से सिलाई कर लिया। अब इसको हमें क्या करना है, एक एक कर कटिंग कर देना है। तो ये देखिए हमने कटिंग कर दिया एक एक कर इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये जो रेड वाला है इसको ग्रीन की साइड रखेंगे और दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर दी एक साइड, दूसरी साइड सेम ही रखेंगे, ग्रीन और रेड दोनों को आपस में मिलाते हुए अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर लेंगे। हमें वाइट की साइड नहीं रखना है, हमें ग्रीन की साइड रखना है। तो ये देखिए हमने अब क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए हमने दोनों को आपस में मिलाते हुए अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर लेना है। तो एक साइड हमने कर लिया, अब सेम ही में दूसरी साइड करना है। तो इसको इस तरीके से रखेंगे। आई होप आप लोग को हमारे बताने का तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को हमारे बताने का तरीका समझ में ना आए तो आप लोग देख कर भी समझ सकते हैं, हमने स्टेप बाई स्टेप बनाकर बताया है। तो ये देखिए हमने हमने सेम एक पट्टी को सिलाई कर दिया, और जो एक्स्ट्रा इधर उधर का उसको हमें कटिंग कर देना है। तो ये देखिए हमने कटिंग कर दिया और सेम ही दूसरा पट्टी भी तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको लेना है, ये देखिए, और इसको इस तरीके से रखेंगे, सेम ही रखेंगे जिस तरीके से हमने इस साइड रखा था उसी तरीके से उस साइड रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो एक साइड हमने सिलाई कर लिया, अब इसको कर देंगे कटिंग, और दूसरी साइड अब हमें सिलाई करना है, और इस तरीके से रखेंगे और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो इसको भी हमने सिलाई कर लिया, और जो एक्स्ट्रा है उसको अच्छे तरीके से बराबर कर हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो हमने कटिंग कर दिया, अब इसको जो एक्स्ट्रा है उसको इधर और उधर दोनों साइड का हम कटिंग कर निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा 2 पट्टी बनकर तैयार हो गया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको दोनों को लेना है आपस में और अच्छी तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर देना है। अब ये देखिए हमारा पट्टी बनकर तैयार हो गया, अब दोनों को आपस में मिलाते हुए अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए एक साइड हमने सिलाई कर लिया, आराम आराम से हमें सिलाई करना है। सिलाई करते समय में जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो सिलाई है सिलाई पर नहीं रहेगा, तभी हमारा जो डिज़ाइन बनेगा अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ बनकर कंप्लीट नहीं होगा। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया, कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो दूसरी साइड हमें सेम ही करना है। तो ये डिज़ाइन में पट्टी आपको नहीं लगाना है, आपको इसी तरीके से एक एक कर ज्वाइन कर देना है। बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा, ये आप लोग ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए एक साइड हमने कर दिया इस तरीके से दोनों साइड, और जो एक्स्ट्रा है उसको अच्छे तरीके से बराबर कर चारों साइड से कटिंग कर देना है। आपको जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख चुके हैं उसी तरीके से डिजाइन को
बनाना है, एक एक कर कर ज्वाइंट करना है। और ज्वाइंट होने के बाद में आप चारों साइड में पट्टी लगा सकते हैं, आप बेबी बेड शीट बना सकते हैं, पिलो कवर, कुशन कवर, सिंगल डबल का बेड शीट बना सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें बना सकते हैं। अगर आप लोग को कुछ समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पर या कमेंट में पूछ सकते हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप बनाकर बताया। तो चलिए, अगर आप लोग को डिज़ाइन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इसी तरीके से आप लोग देख सकें नई नई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा।